नमस्कार दोस्तों, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, 1944 तक चला था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था 1940 से 1945 तक, और 1945 से 50 तक प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। पहला विश्व युद्ध में भारत जब इंग्लैंड का साथ दिया था तो उसे धोखा मिला था और फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में कांग्रेस की ये नीति थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाएगा तभी हम लोग ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष हुआ था यह बैठक? इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यह स्थापना कांग्रेस के मदद करने के लिए किया गया था 1934 ईस्वी में, और इसकी प्रथम बैठक 1934 में ही हुआ था पटना में। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्यों हुआ था यह बताना है, तो गांधी इरविन समझौता को यह दिल्ली में हुआ था इसलिए इसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, और यह दिल्ली समझौता हुआ था गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को, और इसमें कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए समझौता हुआ था, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था, सही है। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है, और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के प्रतिभागी किया गया था, ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में, और इसका भारत आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ये कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। उच्च सदन जो है वो हम लोग राज्यसभा को कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ही लोकसभा में पारित होगा, और जो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो ही अविश्वास प्रस्ताव को पारित करेंगे और लोकसभा में ही ये खत्म हो जाता है, तो राज्यसभा के अगर कोई भी प्रधानमंत्री राज्यसभा का है तो अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे, सही नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, 1991 से 96 तक ये भारत के वित्त मंत्री के पद पर थे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे 1982 से 85 तक, तो यहाँ पे दोनों थे, और ये राज्यसभा के सदस्य थे 1991 से लेकर के 2024 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अभी 2024 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसे होती है? देखिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी धन का संरक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है, और ये अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखता है और फिर संसद इस पर विचार करती है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, अंतिम जिम्मेदारी होती है किसके पास? संसद के पास, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है, और अभी वर्तमान में आर वेंकट रमनी भारत के महान्यायवादी हैं। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका प्रयोग एक बार हुआ है, किस अनुच्छेद में हुआ है और कब हुआ है? तो इसका अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल के जगह पे मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिपरिषद, लेकिन मंत्रिमंडल का प्रयोग भी एक बार किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा, और इसी में 352 अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है। मकर रेखा नहीं गुजरती है,
मकर रेखा बोलीविया से नहीं गुजरती है, बाकी अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, चिली से गुजरती है। और साथ में आप लिख लीजिएगा मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, ये सब देश से मकर रेखा गुजरती है। जब आईएसटीएमयोत्तर पर दोपहर होता है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह की 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान का देशांतर आपको बताना है कि किस देशांतर में सुबह का 6 बज रहा है। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। जब इस पर दोपहर हो रहा है यानी कि 12 बज रहा है तो 6 कहाँ बज रहा होगा यही बताना है, यानी हमें समय से पीछे जाना है 6 घंटा, तभी तो 6 बजेगा। और 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, और हमें 12 से 6 जाने में हमको 6 घंटा का अंतराल तय करना है। 6 घंटा में हो जाएगा 360 मिनट, तो 4 डिग्री में 1 डिग्री हमको घूमना पड़ता है, तो 360 मिनट चलने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तो 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री वेस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग समय से पीछे जा रहे हैं। अगर आगे रहता है तो हमें ईस्ट में जाना पड़ता है। बसंत विषुव निम्नलिखित में से कब होता है? 21 मार्च को। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति है। देखिए आगे है, 2 घंटा आगे है, इसका मतलब ईस्ट में होगा, ईस्ट यानी पूर्व में, तो यहाँ पश्चिम वाला ऑप्शन कट गया, पश्चिम वाला कट गया, अब तो यह ऑप्शन बी या सी होगा। तो 2 घंटा आगे है, यानी कि 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 120 मिनट में कितना डिग्री, तो इससे भाग दे दिए 4 या 12, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? देखिए पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पे जीवन संभव है ऐसा माना जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था दिल्ली में, लेकिन इसमें कोई भारतीय महिला नहीं जीत पाई थी। ये जीती थी कमलजीत संधू 1970 के बैंकॉक में जो आयोजन हुआ था एशियाई खेल का, उसमें 400 मीटर के रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में हुआ था, 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1984। प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 फरवरी को, सॉरी 8 मार्च को मनाया जाता है। तो किसकी स्मृति में यानी किसके याद में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के, प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि यूपी की राज्यपाल बनी थी। जय संहिता किसका मौलिक नाम है? महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है, तो इसे महाभारत कहते हैं। जय संहिता में 8800 श्लोक था, 8800 श्लोक था, तो इसे जय संहिता कहते थे। और जब इसमें 24,000 श्लोक हुआ, 24,000, तो हम लोग इसे कहते थे भारत। तो इसका 3 नाम है, एक जय संहिता, एक भारत और एक महाभारत। जब 8800 श्लोक था तो जय संहिता, 24,000 हुआ तो भारत, और जब 1 लाख है श्लोक तो इसे महाभारत कहा जाता है। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के राज व्यवस्था के बारे में पता चलता है, उसी तरह मैकियावेली के प्रिंस से तो इससे पता चलता है हम लोगों को यूरोप के राज व्यवस्था के बारे में, इसलिए मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा जो है वो असत्य है? इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा गया था, यह कथन सत्य है। इस काल के 4 वर्णों में समानता थी, देखिए यही असत्य है। ऋग वैदिक काल में 4 वर्णों में समानता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण जो थे उसमें असमानता आ गई थी, सभी अलग अलग हो गए थे। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 6600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय है। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? मगध में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अवंती की राजधानी था उज्जैन, उज्जैन। लिच्छवी जो था इसकी राजधानी था वैशाली, वैशाली।
बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म में तीन पिटक हैं, एक है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में नियमों का संग्रह किया गया है, सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाओं का इसमें संग्रह है, और अभिधम्म पिटक जो है वो दर्शन पर आधारित है। तो आपका दूसरा मिलान सही किया गया है, तो केवल बी हो जाएगा। और विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में किया गया था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में, और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का पद किससे संबंधित है? तो यह राजकोषीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था, और समहारता होता था उच्चतम प्रभावी अधिकारी, समहारता। महल परिचारकों का मुखिया को हम लोग कहते थे दौबारिक, ये कहलाता था दौबारिक, और नगर अध्यक्ष कहलाता था शहरों एवं कस्बों की देखभाल करने वाला जो रहता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसका पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया था। लेकिन पूछ रहा है जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था, नहीं जमींदार के लिए नहीं, किसान के लिए किया जाता था मुजरियान शब्द का प्रयोग। वे खेतिहर, तो ये तो गलत हो गया, वे खेतिहर जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे उन्हें पाही कास्त कहलाता था, ये कथन सही है। देखिए खेतिहर दो प्रकार का होता था, एक पाही कास्त और एक होता था खुद कास्त। जो खुद कास्त होते थे वो अपने ही गांव में खेती करते थे, और जो पाही कास्त होते थे वो किसी दूसरे गांव में जाकर के खेती करते थे। तो आपका ऑप्शन दूसरा केवल सही है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा केवल। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अकबर के द्वारा लिया गया निर्णय और वो कब लिया था उसका तिथि बताना है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने की जो निर्णय अकबर ने लिया था वो कब लिया था? 1563 में। यहाँ 64 दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, 1563। जजिया कर की समाप्ति 1567 में नहीं, 1564 में किया था जजिया कर की समाप्ति 1564 में, ये भी गलत है। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1575 में नहीं, 1585 में किया था। तो तीनों गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 1, 2, 3 कोई भी सुमेलित नहीं है। खजाइनुल फुतुह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है? देखिए इसका जो लेखक है अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के द्वारा इसकी रचना किया गया है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब बहुत अच्छा शासक, उसके शौर्य का वर्णन किया गया है, ऐसा लिखा गया है इस किताब में। अलाउद्दीन खिलजी के बड़ाई के बारे में लिखा गया है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी को युग का मोती कहा गया है, युग का मोती, विश्व का सुल्तान और सुल्तानों का सुल्तान कहा गया है खजाइनुल फुतुह में। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में खुदिरई चिट्टी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है घोड़े के व्यापारियों से, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मरण में या फिर याद में किया गया था इसका निर्माण, और इसका नींव रखा था कुतुबद्दीन ऐबक। कुतुबद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका नींव रखा था, और एक मंजिल बनाने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसको निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिस ने, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिस ने, चौथा मंजिला तक बनाया इसको। फिर पाँचवा मंजिला बनाया फिरोज शाह तुगलक, पाँचवा मंजिला बनवाया और रिपेयरिंग का काम करवाया, यानी कि जो खराब हो गया था उसे फिर से सही करवाया। तो इल्तुतमिस फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित है? तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानी। देखिए जहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसी के नाम पर वहाँ की पहाड़ियाँ का नाम लिया जाता है। तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती हुई एक क्रम में है। तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा, नागा नागालैंड में है सबसे लास्ट में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है?
यह इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है, गंगा नदी पे है स्थित, गंगा नदी पे है। सादिया और धुबरी को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। कोलम्मा और कोट्टापुरम को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। और काकीनाड़ा पुदुचेरी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। ऑप्शन बी में जो सादिया और धुबरी को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। और ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये केरल में है, केरल में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की जो वृद्धि है वो नकारात्मक दर्ज की गई है? नागालैंड की। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती में अक्सर होता है कि पशुपालन और कृषि दोनों साथ में किया जाता है, तो पशुपालन और सस्य उत्पादन यानी कि खेती फसल उत्पादन दोनों एक साथ करना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी की प्रमुख अनाज फसल है? रबी फसल का सबसे प्रमुख है गेहूं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्यों में किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? वन क्षेत्र में उच्चतम अनुपात में आ जाएगा आपका मिजोरम। प्रतिशतता के मामले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत यही है, 85% पे वन है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा से निर्मित होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का एक नाम क्या होता है? रेगुर। तो आपका ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियाँ। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, उत्तर भारत में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है, और पवित्रता के मामले में दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है कावेरी नदी। लेकिन जो गंगा नदी है उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, तो लंबाई के मामले में दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी। लंबाई में गोदावरी और पवित्रता में कावेरी। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में कौन सा अवस्थित है? अंचार झील। फुलझर झील जो है वह यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और हरीरसर झील जो है यह हिमाचल प्रदेश, ये गुजरात में है, सॉरी ये गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और उसकी जो स्थिति है उसे मिलाना है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये जो है ज्वालामुखी ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। अनहोनी मध्य प्रदेश, तत्वपानी ओडिशा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद। देखिए, विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह विधान परिषद उच्च सदन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? किसी राज्य के विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम होता है 60 और अधिकतम आपका 500 हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर विधान परिषद के बारे में पूछ लेगा, विधान परिषद में न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम इसमें हो सकता है 40 और अधिकतम हो सकता है विधानसभा का एक तिहाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से दोनों नहीं है। तो देखिए, यूपी में दोनों है, बिहार में दोनों है, और कर्नाटक में भी दोनों है, तो आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में दोनों नहीं है, ठीक ना। विधान परिषद मात्र 6 ही राज्य में है, एक यूपी में, एक बिहार में, एक कर्नाटक में, एक महाराष्ट्र में, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना में, ये 6 जगह पर है विधान परिषद। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त कर सकते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, यूपी की बनी थी, ठीक ना, यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, और यह चौथी मुख्यमंत्री थी, यूपी की चौथी लेकिन महिला में प्रथम। भारत के, और यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी, सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी थी। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है,
यह समवर्ती सूची में आता है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 1985 में इसको लाया गया था राजीव गांधी के द्वारा 52वां संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन। पंचायतों की जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है पंचायत को, वह किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो देखिए, पंचायत को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये सब नहीं दे रहा है, ऑप्शन में पूछ रहा है अनुच्छेद। तो इसके तहत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के ए से ओ को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 243 अनुच्छेद है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको जोड़ करके एक ही बना दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये जो संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 कब परिवर्तन में आया, यानी कि जो विलय पत्र मिलाने का किया गया वो कब आया हमारे कानून में, वो लागू हो गया, तो ये 26 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया और इसे दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। तो देखिए, किसी संविधान के संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, ये कथन गलत है। किसी भी संविधान संशोधन का विधेयक पारित करना हो तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें, ये कथन सही है। पहले यह बाध्य नहीं होते थे, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। अब तीसरा कथन क्या कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक की कोई पाबंदी नहीं है, ये भी कथन सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।